आज 16 सितंबर है, जैसा कि हम जानते हैं यह दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं बता दूं, इस साल का थीम है जीवन के लिए ओजोन। और यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1987 को इसी दिन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दिन लोगों को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और इसे हम कैसे संरक्षित कर सकें इसके संभावित उपायों को भी खोजा जाता है। इस दिन बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में ओजोन परत पर बातचीत की जाती है और सेमिनार आयोजन किए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैल जाए। ओजोन लेयर धरती के वायुमंडल की एक ऐसी परत है जो हमें सूरज से आने वाली किरणों को रोकने का काम करती है। मैं बता दूं आप लोगों को, सूरज की किरणों में सबसे अधिक कैंसर का खतरा होता है। अगर हमारी ओजोन लेयर ना रहे तो बहुत सारी इस तरह की स्किन की जो बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, यह सब हो सकता है हमें। यह ओजोन परत सूरज की किरणों को एक प्रकार से छान कर धरती पर पहुंचाती है। अतः ओजोन परत का बहुत महत्व होने के कारण यह दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जिससे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण हो और ओजोन अरुण निर्मित हो सके। यह बहुत जरूरी बात है, मैं आपको बता दूं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि उन पदार्थों का प्रयोग कम करना या उनका उत्पादन कम करना जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता हो, जैसे ऐसे प्रोडक्ट, प्लास्टिक कंटेनर, एरोसोल्स या स्प्रे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, उनका बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों से ज्यादा धुआं निकलना, प्लास्टिक, टायर, रबर आदि को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओजोन परत को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। मैं बता दूं आपको, चलिए अब जानते हैं इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के, जिसे हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें अपनी लाइफ स्टाइल में तो यह संरक्षित हो सकता है। वॉकिंग करना, कारपूलिंग करना, ऑफिसेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहुत सारे और भी छोटे छोटे तरीके होते हैं। हमें अपने एयर कंडीशन की मेंटेनेंस हमेशा करते रहना चाहिए। माल फंक्शनिंग एयर कंडीशनर ज़्यादा CFC को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमेशा उसे मेंटेन करके रखें और CFC फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसी छोटे छोटे तरीकों से हम अपनी ओजोन परत की सुरक्षा और संरक्षित दोनों ही कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए और इन्वायरमेंट के साथ चलने की कोशिश करिए। थैंक यू।